हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज चंद्रेश भांगे, फैकल्टी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। टुडेज आवर सब्जेक्ट नेम इज बेसिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। टुडेज चैप्टर नेम इज टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ मेथड ऑफ थायरिस्टर एंड टुडेज टॉपिक इज आरसी फुल वेव ट्रिगरिंग सर्किट। ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आपका क्या नॉलेज बढ़ने वाला है उसे कहते हैं कोर्स आउटकम। आइडेंटिफाई पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इन सर्किट, को जो भी सर्किट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रहता है उसमें कौन कौन से पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगे रहते हैं उसे वो है पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है, सेकंड ये टॉपिक पढ़ने के, चैप्टर पढ़ने के बाद आपका कौन सा नॉलेज बढ़ने वाला है उसे कहते हैं यूनिट आउटकम। यूनिट आउटकम में जैसे एक्सप्लेन विथ स्केचेस द वर्किंग ऑफ गिवन टाइप ऑफ थायरिस्टर डिवाइसेस, यानी अलग अलग स्केचेस के जरिए थायरिस्टर डिवाइसेस कौन कौन से रहते हैं, थायरिस्टर क्या रहता है आगे में अपने को देखने को मिलेगा। इंटरप्ट वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिवन पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी जो भी पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसका वोल्टेज और करंट का कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरीके से रहता है वो इस स्लाइड में देखने को मिलता है। आज के टॉपिक में अपने को क्या पढ़ना है, सेशन आउटकम, स्टूडेंट विल एबल टू अंडरस्टैंड, एससीआर टर्न ऑन टेक्निक ट्रिगरिंग सर्किट पढ़ना है, और एससीआर ट्रिगर यूजिंग आरसी फुल वेव ट्रिगर सर्किट, आरसी फुल वेव ट्रिगर सर्किट पढ़ना है। ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आपका क्या नॉलेज बढ़ने वाला है उसे कहते हैं कोर्स आउटकम। आइडेंटिफाई पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इन सर्किट, को जो भी सर्किट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रहता है उसमें कौन कौन से पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगे रहते हैं उसे वो है पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है, सेकंड ये टॉपिक पढ़ने के, चैप्टर पढ़ने के बाद आपका कौन सा नॉलेज बढ़ने वाला है उसे कहते हैं यूनिट आउटकम। यूनिट आउटकम में जैसे एक्सप्लेन विथ स्केचेस द वर्किंग ऑफ गिवन टाइप ऑफ थायरिस्टर डिवाइसेस, यानी अलग अलग स्केचेस के जरिए थायरिस्टर डिवाइसेस कौन कौन से रहते हैं, थायरिस्टर क्या रहता है आगे में अपने को देखने को मिलेगा। इंटरप्ट वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिवन पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी जो भी पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसका वोल्टेज और करंट का कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरीके से रहता है वो इस स्लाइड में देखने को मिलता है। स्टूडेंट कोई भी एक चीज करने के पहले रिवीजन करना जरूरी है, तो रिवीजन ये सब्जेक्ट में हर टॉपिक एससीआर से डिपेंडेंट है। इसका जो पहला जो अपना टॉपिक था एससीआर, उसी टॉपिक से मैक्सिमम टॉपिक डिपेंडेंट है, इसलिए ये टॉपिक को हर बार रिवीजन करना बहुत जरूरी है। तो इसके बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि एक डायोड इस तरीके से था, इसमें एनोड और कैथोड तो पहले भी सीखे थे, इसमें एक गेट टर्मिनल रहता था। गेट टर्मिनल क्या करता है दोस्तों कि ये जो डायोड है, ये डायोड का अभी नेक्स्ट नाम क्या है, इसमें गेट लग गया तो एससीआर, अगर गेट नहीं लगता तो ये डायोड रहता, और गेट लग गया यानी इसका मतलब ये एससीआर हो गया। तो इसमें क्या बताया था कि चार लेयर रहते, लेयर यानी क्या, ये पी एन ये चार लेयर, उसके बाद तीन जंक्शन, जंक्शन यानी क्या, पी और एन के बीच में जो लाइन दिख रही है उसे कहते हैं जंक्शन। तो यहाँ कितने जंक्शन दिख रहे हैं, एक दो तीन, तीन जंक्शन दिख रहे हैं, तीन टर्मिनल एनोड कैथोड और गेट। ठीक है, तो ये एससीआर का काम। तो इसमें क्या देखे थे अपन ने, एनोड को पॉजिटिव दिया, कैथोड को निगेटिव दिया, तो ये ऑन फॉरवर्ड बायस नहीं होता। ये वर्ड मैं आपको बताया था फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट होता है, ये वर्ड आपको एकदम दिमाग में फिट रखना है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट, यानी कब, एनोड को जब पॉजिटिव दिया और कैथोड को जब निगेटिव दिया, तब ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट होता है, यानी ऑन नहीं होता, ऑन होने के कंडीशन में आ जाता है। ऑन कब होता है दोस्तों, ये जब ये गेट को अपन पॉजिटिव सप्लाई देते हैं। तो इसमें क्या होता है, एनोड को जैसे पॉजिटिव सप्लाई दिए जंक्शन J1 ब्रेक होता है, कैथोड को जैसे निगेटिव सप्लाई दिए जंक्शन J3 ब्रेक होता है। अब J1 भी ब्रेक हो गया, J3 भी ब्रेक हुआ, कौन सा नहीं, J2, और
ऑन होने के लिए कंडीशन है कि तीनों जंक्शन ब्रेक होना चाहिए, तो जे टू ब्रेक नहीं हुआ है, तो जे टू ब्रेक नहीं हुआ है तो उसके लिए इसका और ब्रेक करने के लिए नया चीज़ आ गया गेट। गेट को अगर अपन पॉजिटिव सप्लाई देते हैं उस टाइम पे ये जे टू जंक्शन ब्रेक होता है और अपना डिवाइस ऑन होता है। तो ये SCR के बारे में रिविजन थी शॉर्ट में, ठीक है। ये यूनिडायरेक्शनल रहता है, हमेशा करंट एनोड टू कैथोड तक जाता है और गेट टर्मिनल से इसका इसका जो ऑपरेशन है ऑन रखना है या ऑफ रखना, इसे अपन कंट्रोल कर सकते हैं। तो नाम है अभी इसका रजिस्टर कैपेसिटर फुल वेव ट्रिगर सर्किट। तो सबसे पहले अपन कंसिडर करेंगे कि ये SCR बंद है, ठीक है। SCR बंद है, क्यों बंद है? क्योंकि डायोड बंद है। डायोड क्यों बंद है? क्योंकि कैपेसिटर फुल यानी फुल्ली डिस्चार्ज है। तो अभी कैपेसिटर कैसे चार्ज होगा? सबसे पहले पॉजिटिव साइकिल आएगी, तो एक 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 अपन नेक्स्ट इसमें पढ़ते हैं। तो इसका नाम है रजिस्टर कैपेसिटर। रजिस्टर कैपेसिटर से बना है इसलिए रजिस्टर कैपेसिटर फुल वेव ट्रिगर सर्किट। यानी ट्रिगर सर्किट का काम है कि इस सर्किट का काम है कि इसे SCR को ऑन करना, ऑन करना यानी ट्रिगर करना फुल वेव, यानी दोनों साइकिल के वक्त, पॉजिटिव के वक्त भी और निगेटिव के वक्त भी। तो ये सबसे पहले एक एक सर्किट से अपन पढ़ते कि सबसे पहले पॉजिटिव साइकिल के वक्त ये ऑन कैसे होगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा है SCR ऑफ बिकॉज नो गेट सप्लाई। इसको गेट सप्लाई नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि डायोड ऑफ है। डायोड क्यों ऑफ है? क्योंकि कैपेसिटर चार्ज नहीं है। कैपेसिटर चार्ज नहीं है तो अभी चार्ज होना शुरू होगा। तो सबसे पहले चार्ज कैसे होगा वो देखते हैं। देखो ये करंट कैसे फ्लो हो रहा, इस तरीके से वो कैपेसिटर खुद को चार्ज करेगा, ठीक है। यानी पॉजिटिव लोड आर सी निगेटिव, ऐसा ये करंट इसमें से फ्लो होता है और इस तरीके से कैपेसिटर खुद को चार्ज करेगा। जैसे ये फुल चार्ज करेगा, अभी इसके पास इतना वोल्टेज है कि ये डायोड को ऑन कर सके। जैसे कैपेसिटर ने खुद को फुल चार्ज किया, ये डायोड को ऑन करेगा। डायोड ऑन हुआ तो इसमें से करंट फ्लो होना शुरू होगा और ये गेट को मिलेगा और ये अपना SCR ऑन होगा। तो जैसे जैसे कैपेसिटर नाउ सी फुल चार्ज, जैसे फुल चार्ज हुआ पीक वोल्टेज तक, इसने ये डायोड को ऑन किया। डायोड ऑन बिकॉज सी फुल चार्ज, वैसे कैपेसिटर फुल चार्ज हुआ। जैसे फुल चार्ज हुआ अभी इसमें से करंट फ्लो होना शुरू होगा और ये SCR ऑन होगा। तो देखते अभी, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे करंट रुका, यहाँ पे करंट रुका था क्योंकि ये बंद था। अभी आगे देखते नेक्स्ट इसमें, जैसे ये फुल चार्ज हुआ डायोड ऑन हुआ इसमें से करंट फ्लो होना शुरू हुआ। जैसे SCR ऑन हुआ अभी ये जो करंट अभी यहाँ पे जो रुका हुआ था अभी ये आगे बढ़ गया और इसमें से करंट फ्लो होना शुरू हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं निगेटिव साइकिल के वक्त क्या हुआ। निगेटिव साइकिल में इसके पोलैरिटी उल्टी हो जाएंगे, यहाँ निगेटिव हो जाएगा या पॉजिटिव होगा। फिर से वही कंसिडर करेंगे, SCR ऑफ है क्योंकि डायोड बंद है। डायोड क्यों बंद है? क्योंकि कैपेसिटर डिस्चार्ज है। तो डायोड ऑफ बिकॉज सी नॉट फुल चार्ज। SCR ये SCR ऑफ है बिकॉज नो गेट सप्लाई। इसको गेट सप्लाई नहीं मिल रहा क्योंकि डायोड बंद है। डायोड बंद क्योंकि सी नॉट फुल चार्ज, ये कैपेसिटर चार्ज नहीं है। अभी चार्ज कैसे होगा, कौन से रास्ते से होगा देखते। देखो अभी कैपेसिटर कैसे रास्ते से चार्ज हो रहा, पॉजिटिव सी डायोड, ऐसा उसमें से करंट फ्लो होगा। ठीक है, जैसे ये कैपेसिटर अभी इसमें से फुल चार्ज होना शुरू होगा और जैसे ये कैपेसिटर और यहाँ पे ये SCR बंद है इसलिए करंट यहीं पे आके रुकेगा क्योंकि ये आगे नहीं जा पाएगा। अभी नेक्स्ट इसमें, जैसे कैपेसिटर नाउ कैपेसिटर फुल चार्ज, जैसे ये फुल चार्ज हुआ अभी ये इसको ऑन करेगा डायोड को। डी ऑन क्योंकि कैपेसिटर फुल चार्ज है, कैपेसिटर फुल चार्ज है, अभी ये SCR को ऑन करेगा और SCR ऑन बिकॉज गेट सप्लाई मिल गया इसको। तो देखिए यहाँ से ये गेट सप्लाई इसको मिल गया और ये ऑन हो गया गेट सप्लाई और अभी इसमें से करंट इस तरीके से फ्लो होगा। तो इस तरीके से पॉजिटिव साइकिल के वक्त भी ऑन हो रहा और निगेटिव साइकिल के वक्त भी ये ऑन हो रहा है। क्या क्या पढ़े अपन ने? SCR ट्रिगर टेक्निक पढ़ा, जो है RC फुल वेव
ये है फुल वेव, क्योंकि पॉजिटिव साइकिल के वक्त भी ऑन हो रहा है, निगेटिव के वक्त भी ऑन हो रहा है। इस पे बोर्ड में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रजिस्टर कैपेसिटेंस फुल वेव ट्रिगर सर्किट। थैंक यू दोस्तों।